तीर्थ और तीर्थ लेते चरणामृत और प्रसार लेते हैं वो प्रसाद में कुछ तो है गुण शरीर का और मन में शरीर और मन में वो परिवर्तन लाता है इसलिए प्रसाद प्रसन्नता प्रसाद बोलते हैं ना वो श्रद्धा से जब प्रसार लेते हैं तो प्रसन्नता जाग जाती है मन में हमारी चेत हमारी चेतना में प्रसन्नता जाग जाती है क्या समझ में आ रही है बात प्रसाद लेने से क्या होना चाहिए हमारी चेतना में प्रसन्नता जाग उठना चाहिए तब हमने सचमुच में प्रसाद स्वीकार किया और ऐसे ही हाथ पकड़ ले लिया कुछ फल ले लिया मिठाई ले लिया कुछ ले नहीं उसको श्रद्धा से लेना चाहिए आप देखो दुकान से लेके जाते हैं प्रसाद कोई भी मंदिर जाते हो वहाँ बाहर दुकानें लगी हुई होती है वही बताशें होती है वही मिठाई होती है फेड़े होते हैं जब वहाँ अंदर जाके उसको चढ़ाते हैं श्रद्धा पूर्वक फिर वहां से लेते हैं बहुत तब प्रसाद होता है ना दुकान से खरीदने से थोड़ी ना प्रसाद हो जाए अब यहाँ आश्रम आते हैं आश्रम में वहाँ जाके खाना खाते हैं अन्नपूर्णा में वो प्रसाद हो गया वो प्रसाद से शरीर में मन में बहुत बड़ा असर प्रसाद का शरीर पर और मन पर बहुत बड़ा असर होता है और ये असर ही प्रसन्नता को जन्म देता है तो उसके लिए तो वो श्रद्धा की आवश्यकता है